नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीबी विकास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो दोस्तों, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट कॉज एंड रिमेडी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम बता दें कि इस सेशन शुरू करने से पहले बता दें आपको कि जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर स्टील पर पार्ट 1 to 7 पर 7 पार्ट 7 पार्ट 7 पार्ट में टोटल डिस्क्रिप्शन के साथ यूट्यूब वीडियो बना करके जनरल सेशन का हम आप लोग बीच में यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट कॉज एंड रिमेडी के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम जानते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट होता क्या है। व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट टाइप, कॉज एंड रिमेडी। पहले हमें जानना होगा व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट। वेल्डिंग डिफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज इरेगुलरिटी फॉर्म इन द गिवन वेल्ड मेटल ड्यू टू रॉन्ग वेल्डिंग प्रोसेस और इनकरेक्ट वेल्डिंग पैटर्न ईडीसी। द डिफेक्ट मे डिफर फ्रॉम द डिजायर्ड वेल्ड बीट शेप साइज एंड इंटेंट क्वालिटी। वेल्डिंग डिफेक्ट मे ऑकर आइदर आउटसाइड और इनसाइड। द वेल्ड मेटल सम ऑफ द डिफेक्ट मे बी अलाउड इफ द डिफेक्ट आर अंडर परमिशेबल लिमिट बट अनदर डिफेक्ट सच एज ग्रे क्रैक्स आर नेवर। दोस्तों, क्या होता है कि वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, कोई भी आइडल वेल्डिंग को कंसीडर करते हैं, आइडल वेल्डिंग कंडीशन का जो वेल्डिंग होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसको अगर कंपेरिजन करें हम, तो जो कंपेरेटिवली अगर दूसरे वेल्डिंग में जो भी कुछ प्रॉब्लम है शेप साइज क्वालिटी का, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट बोलते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि सम केसेस में कुछ वेल्डिंग डिफेक्ट होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जो क्रैक होता है, जो क्रैक्स होता है, नेवर एक्सेप्टेबल, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट का जो इमेज है, आइडल वेल्डिंग, आइडियल वेल्डिंग हो गया। आइडियल वेल्डिंग से हम कंपेरिजन करेंगे क्रैक, पोरोसिटी, अंडरकट, स्लैग, फ्यूजन, स्पैटर, ओवरलेस, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट फ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे इन सब वेल्डिंग डिफेक्ट के ऊपर। दोस्तों, वेल्डिंग डिफेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, जो वेल्डिंग डिफेक्ट है इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करें, एक इंटरनल डिफेक्ट और दूसरा एक्सटर्नल डिफेक्ट। तो क्या होता है कि इंटरनल डिफेक्ट मतलब वेल्डिंग के जो बीड है उसके अंदर है, उसको हम देख नहीं पाएंगे, और एक्सटर्नल डिफेक्ट को हम बाहर से नेकटाई से देख लेते हैं विदाउट एनी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसेस। हमें वो दिखेगा विजुअली, मैक्सिमम क्या है वो विजिबल होता है। सम हाउ केसेस में हम एनडीटी, जैसे डीपीटी का टेस्ट, डीपी यूज करते हैं एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट के लिए, को आइडेंटिफाई करने के लिए डीपी का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रैक का। क्रैक होता क्या है, इसका रिमेडी क्या है। तो क्रैक दिस इज द मोस्ट अनवांटेड डिफेक्ट ऑफ ऑल द अदर वेल्डिंग डिफेक्ट। वेल्डिंग क्रैक कैन प्रेजेंट एट द सर्फेस, इनसाइड ऑफ द मेटल मेटेरियल और एट द हीट अफेक्टेड। कहाँ होता है दोस्तों, ये आइदर इनसाइड ऑफ सरफेस पे ओपन होगा, या इनसाइड द वेल्ड होगा, और या फिर हीट इफेक्टेड जोन के अंतर्गत होगा। क्रैक कैन आल्सो अपीयर इन एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए, क्रैक दो चांसेस होता है उसको अपीयर होने का, एक होता है कि हॉट क्रैक होता है, दूसरा क्या होता है, कोल्ड क्रैक होता है। हॉट क्रैक कब फॉर्मेशन होता है, रिक्रिस्टलाइन, इट इज हॉट क्रैक के बारे में देखते थे, इट इज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वेल्ड ज्वाइंट वेयर द टेम्परेचर कैन बी रेज मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। हॉट क्रैक फॉर्मेशन होने का कहाँ चांस होता है, जहाँ पर टेम्परेचर वेल्डिंग के ड्यूरिंग 1200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो उस केस में हॉट क्रैक फॉर्म होता है। कोल्ड क्रैक के बारे में दोस्तों देखते हैं, दिस टाइप ऑफ क्रैक ऑकर एट द एंड ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। समटाइम्स कोल्ड क्रैक इज विजिबल सेवरल आवर आफ्टर वेल्डिंग और इवन आफ्टर फ्यूजन। देखिए, कोल्ड क्रैक क्या होता है दोस्तों, कि
ये एंड ऑफ वेल्डिंग खत्म करने के बाद में ये एपियर होता है, और एपियर इमीडिएट समटाइम्स क्या होता है, इमीडिएट दिखेगा, तुरंत दिख जाता है। समटाइम्स क्या होता है, सिर्फ कुछ घंटे के बाद ये हमें दिखता है। तो दोस्तों देखते हैं कॉज ऑफ वेल्ड क्रैक। एक्चुअल में क्रैक जो वेल्डिंग डिफेक्ट है, इसका कारण क्या है, एपियर होने का कारण क्या है, एक क्रैक होता क्या है, कॉज ऑफ गेज ऑफ वेल्ड क्रैक। फर्स्ट क्या दिया है दोस्तों, पुअर डक्टिलिटी ऑफ द गिवेन बेस मटेरियल। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस कैन बी कॉज ए क्रैक ऑन द वेल्ड मेटल। द रिजिडिटी ऑफ द वेल्ड द ज्वाइंट विच मेक इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द मेटल्स। इफ देयर इज हाई कॉन्टेंट ऑफ सल्फर एंड कार्बन देन ऑल्सो द क्रैक मे अपीयर। फिफ्थ क्या है, यूजिंग हाइड्रोजन एज ए सिंडेड गैस वाइल वेल्डिंग फेरस मेटल। दोस्तों ये जो क्रैक का अपीयरेंस का चांस होता है, फर्स्ट तो मेटल बेस मेटल के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड, अगर पुअर डक्टाइल मटेरियल है तो भी क्रैक फॉर्मेशन होने का चांस होता है। रेसिडुअल स्ट्रेस अगर कोई मटेरियल में है वेल्डेड जोन में तो भी फॉर्मेशन, रेसिडुअल स्ट्रेस तो भी फॉर्मेशन होने का चांस होता है, या फिर मटेरियल रिजिड कंडीशन में रखा हुआ है अगर उसमें वेल्डिंग करते हैं तो भी फॉर्मेशन का चांस होता है। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, एक्चुअली बेसिक आप समझते हैं, अगर हम वेल्डिंग मार रहे हैं कोई बेस मटेरियल में वेल्डिंग मार रहे हैं, अब दोनों तरह से जो दो साइड में जो मटेरियल है वो फिक्स रिजिड है, हम वेल्डिंग मार रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है कि मेटल वेल्ड मेटल और हीट इफेक्ट जोन का मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है, मेल्टेड होता है। अब दोनों साइड से मटेरियल रिजिड है मेरा, और वेल्डिंग करने के बाद अब जो मटेरियल वेल्ड मटेरियल है वो सॉलिडिफाई होगा, वो सॉलिड बनेगा, लेकिन सॉलिड होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, खींचेगा एक दूसरे को, दोनों साइड से दोनों बेस मटेरियल का जो पार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट खींचेगा, लेकिन दोनों साइड का मटेरियल तो मेरा रिजिड है, रिजिड है तो उसके समय वो आएगा नहीं पोजिशन पर, लेकिन ये सॉलिडिफाई मटेरियल वेल्ड मेटल तो सॉलिडिफाई होने का कोशिश करेगा। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि क्रैक फॉर्मेशन होता है, या फिर कोई अनवांटेड मटेरियल जैसे कि आपको सल्फर का अगर कॉन्टेंट हो, कार्बन कॉन्टेंट हो, तो उस केस में भी क्रैक उत्पन्न होता है, या फिर एज हाइड्रोजन अगर शेल्डिंग गैस यूज करेंगे तो भी फेरस मटेरियल में तो भी क्रैक उत्पन्न होने का चांस होता है। इसका रिमेडी क्या है दोस्तों, तो यूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल में डिक्रीज द चांस ऑफ क्रैक। जो जरूरत के अनुसार अपनी जो हम मटेरियल हैं, जैसे कि पुअर डक्टिलिटी जो मटेरियल है, अगर वैसे मटेरियल को यूज नहीं करें तो भी क्रैक फॉर्मेशन नहीं होगा। प्री हीटिंग द वेल्ड एंड रिड्यूसिंग द कूलिंग स्पीड ऑफ ज्वाइंट हेल्प इन रिड्यूसिंग क्रैक। प्री हीटिंग अगर जॉब को करते हैं तो उस केस प्री हीट करके वेल्डिंग मारते हैं तो उस केस में भी क्या होता है दोस्तों कि ये क्रैक फॉर्मेशन का चांस रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस द गैप बिटवीन द वेल्ड ज्वाइंट बाई यूजिंग रीजनेबल वेल्ड ज्वाइंट। दो वेल्ड ज्वाइंट, जैसे आपने बात किया कि आपसे बताया जैसे कि वेल्ड मेटल वो सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर ज़्यादा गैप वेल्ड डिस्टेंस ज़्यादा है तो फेस के बीच में वो भी सॉलिडिफाई होगा, उस समय भी क्रैक होने का चांस रहता है दोस्तों। तो वेल्ड मेटल का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा रीजनेबल डिस्टेंस पे रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, वाइल वेल्डिंग रिलीज द क्लैंपिंग फोर्स स्लोली विच इंक्रीज फिल अप द कैपेसिटी ऑफ वेल्डिंग मटेरियल। सेम अगर रिजिड है तो क्लैंप को रिलीज करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि सॉलिडिफाई जब मटेरियल हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होकर के अपने पोजिशन पे आ जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, होप आप थोड़ा आपको एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट क्रैक्स के बारे में आइडिया ही हो गया आ गया होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट है डिफेक्ट अंडरकट। अंडरकट होता क्या है दोस्तों, पता है कि अंडरकट कब फॉर्मेशन होता है कि अगर कोई हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेन द बेस मेटल ऑफ मेटल मेल्ट अवे फ्रॉम द वेल्ड जोन देन ग्रू इज फॉर्म इन द शेप ऑफ नोच, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज अंडरकट। इट रिड्यूस द फैटिक स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट। होता क्या अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं वेल्डिंग कर रहे हैं उस केस में क्या है कि अगर जो मेटल मेरा जो बेस मेटल है अगर
मेल्ट होकर के वो रूवेल्ट मेटल से दूर चले जाए, जैसा कि आप फिगर के फोटो में देख रहे हैं। तो उस समय जो वहाँ नोच फॉर्मेशन होता है उसको क्रैक बोलते हैं, सॉरी अंडरकट बोलते हैं। अब इसका अंडरकट का कॉज क्या होता है दोस्तों, क्यों होता है? इफ द आर्क वोल्टेज इज वेरी हाई देन दिस आर्क वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो भी अंडरकट होगा। इफ वी यूज द रॉन्ग इलेक्ट्रोड और इफ द एंगल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज रॉन्ग देन ऑल्सो डिफेक्ट विल, गलत इलेक्ट्रोड या फिर जो इलेक्ट्रोड का पोजिशन एंगल जो हम बिल्डिंग करते हैं अगर वो गलत है तो भी फॉर्मेशन होगा, अंडरकट फॉर्मेशन का चांस है। थर्ड, यूजिंग ए लार्ज इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, अगर लंबा कोई इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो भी अंडरकट फॉर्मेशन का चांस रहता है। फोर्थ क्या है, हाई इलेक्ट्रोड स्पीड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द दिस डिफेक्ट, अगर इलेक्ट्रोड स्पीड हाई है उस केस में भी अंडरकट होने का चांस रहता है। अब इसका रिमेडी क्या है दोस्तों, अंडरकट अगर नहीं फॉर्म हो उसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? तो रिड्यूस द आर्क लेंथ और लोअर द आर्क वोल्टेज, आर्क लेंथ को रिड्यूस करें और जो आर्क वोल्टेज है उसको रिड्यूस करें तो भी अंडरकट फॉर्मेशन होने का चांस मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, कीप द इलेक्ट्रोड एंगल फ्रॉम 30 to 45 degrees विद द स्टैंडिंग लेंथ, जो इलेक्ट्रोड का एंगल है जिस पोजीशन में हम वेल्डिंग कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रोड का पोजीशन 30 to 45 degrees पे रखें तो भी अंडरकट रिड्यूस होने का चांस है। थर्ड क्या है, द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड शुड बी स्मॉल, अगर क्या है दोस्तों, अगर स्मॉल डाया इलेक्ट्रोड है तो आर्क वोल्टेज भी कम लगेगा, तो इस केस में भी हमको अंडरकट फॉर्मेशन, तो आर्क वोल्टेज हीट इनपुट कम होगा तो मटेरियल मेल्ट होकर के आगे घूमने जाने का चांस कम। फोर्थ क्या है, रिड्यूस द ट्रेवल स्पीड ऑफ ट्रेवल स्पीड, क्या करेंगे इलेक्ट्रोड का अगर रिड्यूस कर देते हैं तो भी हमें अंडरकट फॉर्मेशन होने का चांस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट स्पैटर। स्पैटर होता क्या है दोस्तों, कहता है कि वेन सब मेटल ड्रॉपलेट, जब वेल्डिंग करते हैं सब मेटल का ड्रॉपलेट जो होता है वो आउटसाइड सरफेस पे आ जाता है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्पैटर बोलते हैं। क्यों होता है दोस्तों ये ड्रॉपलेट्स क्यों आता है, कॉज ऑफ स्पैटर क्या है? तो कॉज ऑफ स्पैटर हाई वेल्डिंग करंट कैंड कॉज दिस, अगर वेल्डिंग करंट ज़्यादा हो तो भी स्पैटर फॉर्मेशन होता है। द लॉन्गर द आर्क द मोर चांस टू गेटिंग दिस डिफेक्ट, अगर आर्क लंबा है, आर्क लेंथ लंबा है उस केस में भी स्पैटर फॉर्मेशन होता है। इनकॉरेक्ट पोलरिटी, सपोज हमें डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रखना है, इलेक्ट्रोड निगेटिव रख लिए, निगेटिव रखना है पॉजिटिव रख ली, उस केस में भी स्पैटर फॉर्मेशन जाता होता है। या फिर फोर्थ, इनप्रॉपर गैस शील्डेड में ऑल्सो पॉजिटिव, अगर गैस शील्डिंग अगर इनकॉरेक्ट गैस शील्डिंग के लिए यूज करते हैं उस केस में भी हमें स्पैटर फॉर्मेशन होने का चांस रहता है वेल्डिंग। दोस्तों इसका रिमेडी क्या है, इसको कैसे क्या करेंगे कि ये मिनिमाइज हो जाए, आने का चांस नहीं रहे? तो रिड्यूसिंग द आर्क लेंथ एंड वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग करंट और आर्क लेंथ को डिक्रीज करने से स्पैटर रिड्यूस हो सकता है। यूजिंग द राइट पोलरिटी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द वेल्डिंग, जो प्रोसेस में वेल्डिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रॉपर पोलरिटी यूज करेंगे तो हमें स्पैटर रिड्यूस हो सकता है। थर्ड क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग द प्लेट एंगल एंड यूजिंग प्रॉपर गैस ऑफ शील्डिंग, प्रॉपर गैस प्लेट एंगल को इंक्रीज करते हैं और जो शील्डिंग गैस है जो प्रॉपर गैस को यूज करेंगे उस केस में भी हमें स्पैटर मिनिमाइज हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पोरोसिटी के बारे में। पोरोसिटी क्या होता है दोस्तों, पोरोसिटी इन द कंडीशन इन विच द गैस और स्मॉल बबल गेट ट्रैप इन टू द वेल्डेड जोन, अगर थोड़ा गैस स्मॉल ट्रैप हो गया बबल फॉर्म हो गया वेल्डेड जोन में तो उसको पोरोसिटी बोलते हैं। पोरोसिटी का कारण क्या होता है दोस्तों, इट ऑकर व्हेन द इलेक्ट्रोड इज नॉट कोटेड प्रॉपरली, अगर इलेक्ट्रोड का कोटिंग बराबर नहीं है उस केस में भी
पोरोसिटी आएगा। यूजिंग ए लॉन्गर आर्क में ऑल्सो इंक्रीज इट्स चांस, लॉन्गर आर्क रहेगा तो भी पोरोसिटी आएगा, इंक्रीज द वेल्डिंग करंट, अगर वेल्डिंग करंट ज्यादा रहेगा तो भी पोरोसिटी आने का चांस होगा, या फिर कॉन्टामिनेट अदर रेस्ट रस्ट ऑयल ग्रीज ऑन वेल्डिंग सर्फेस पे रहेगा, जहाँ मेटेरियल बेस मेटल के सर्फेस पे अगर वहाँ वेल्डिंग करते हैं तो भी पोरोसिटी फॉर्मेशन होने का चांस रहता है। इसका रिमेडी क्या है दोस्तों? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का अगर प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे तो भी पोरोसिटी मिनिमाइज हो जाएगा, चांस नहीं रहेगा। डिक्रीजिंग द वेल्डिंग करंट, अगर वेल्डिंग करंट डिक्रीज कर दें तो भी पोरोसिटी का चांस घट जाएगा। यूजिंग ए स्मॉलर आर्क एंड स्लोइंग द प्रोसेस टू अलाउ द गैसेस टू एस्केप, स्मॉलर आर्क यूज करेंगे उसमें के कंडीशन में क्या होगा, जो गॉस फर्मो होगा वेल्डेड ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर वेल्ड मेटल के अंदर, वो धीरे धीरे स्कैप हो जाएगा, स्कैप हो जाएगा अगर शॉर्ट आर्क में तो फिर पोरोसिटी फॉर्मेशन नहीं होगा। फोर्थ क्या है दोस्तों? रिमूव रस्ट ऑयल फ्रॉम द सर्फेस एंड यूज प्रॉपर टेक्निक, जो भी सर्फेस पर डिफेक्ट है, सर्फेस को में जो ऑयल ग्रीज जो मटेरियल पड़ा हुआ है, अनवांटेड मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको रिमूव करके क्लीन प्रॉपरली कर लेंगे, उस केस में भी पोरोसिटी आने का चांस नहीं रहता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट, ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है? कदा ओवरलैप वेल्डिंग कर रहे हैं और वेल्डिंग के दौरान जब एक्स्ट्रा वेल्डिंग में जैसा कि आप फोटो को देख रहे हैं ऊपर में आ जाए, बेस मेटल पे आ जाए, वेन द वेल्ड मेट फेस एक्सटेंड बियॉन्ड द वेल्ड टो देन दिस डिफेक्ट ऑकर, इन दिस कंडीशन द वेल्ड मेटल रोल एंड फॉर्म द एंगल लेस देन 90 डिग्री। कॉज ऑफ ओवरलैप क्या होता है दोस्तों? इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक रहेगा तो भी ओवरलैप ओपन होगा। बाय यूजिंग लार्ज इलेक्ट्रोड दिस डिफेक्ट में आकर, ज्यादा अगर लार्ज साइज इलेक्ट्रोड होगा तो भी ओवरलैप, क्योंकि लार्ज साइज इलेक्ट्रोड है दोस्तों तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में मेटल वेल्ड मेटल डिपोजिट होगा, उस केस में ओवरलैप का चांस रहेगा। थर्ड क्या है दोस्तों? हाई वेल्डिंग करंट, अगर हाई वेल्डिंग करंट रहेगा तो भी चांस रहेगा वेल्डिंग ओवरलैप का। दोस्तों इसके रिमेडी के बारे में बात करते हैं कि इसका रिमेडी क्या है, इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो यूजिंग प्रॉपर टेक्निक फॉर वेल्डिंग, अगर प्रॉपर टेक्निक अगर वेल्डिंग का यूज करते हैं तो उस केस में भी ये मिनिमाइज हो जाएगा। यूज स्मॉल इलेक्ट्रोड, अगर स्मॉल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो भी चांस है। थर्ड में क्या है? लेस्ट वेल्डिंग करंट अगर यूज करते हैं तो भी चांस है कि ओवरलैप नहीं हो। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट एक्सटर्नल क्रेटर पाइप भी बोलते हैं, क्रेटर क्रैक्स भी बोलते हैं, ये होता है अंत एंड ऑफ द वेल्डिंग होता है। अगर वेल्डिंग लेते जा रहे हैं हम करते जा रहे हैं, अगर एंड एज में या शुरू जहाँ करते हैं अगर वहाँ आर्क इज ब्रोकन हो गया तो उस केस में एज क्या होता है, फास्टर कूलिंग होता है, बहुत जल्दी कूल होता है वेल्ड मेटल, जो सॉलिडिफाई होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल अपने जो पॉइंट सेंटर से अलग अलग हो जाता है, उस केस में क्रैक भी फॉर्मेशन होता है या फिर क्रेटर पाइप भी फॉर्मेशन होता है। तो कॉज क्या है दोस्तों इस क्रेटर फॉर्मेशन का? इनकॉरेक्ट टॉर्च एंगल, सेकंड क्या, यूज ऑफ लार्ज इलेक्ट्रोड, एंड थर्ड क्या है, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। फॉर्मेशन क्या है? इनकॉरेक्ट अगर टॉर्च एंगल है तो क्रेटर फॉर्मेशन होगा, लार्ज इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो भी चांस रहता है, और इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक रहेगा तो भी क्रेटर फॉर्मेशन का चांस रहेगा। रिमेडी क्या है दोस्तों इसको कैसे क्या करें कि ये नहीं आए? यूजिंग ए प्रॉपर टॉर्च एंगल में रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ मेटल, अगर प्रॉपर टॉर्च का एंगल यूज करेंगे तो स्ट्रेस फॉर्मेशन कम होगा तो क्रेटर क्रैक का चांस नहीं रहेगा। यूजिंग ए स्मॉल इलेक्ट्रोड में ऑल्सो डिक्रीज द क्रेटर, स्मॉल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो भी क्रेटर का चांस होगा। और थर्ड क्या है? यूज प्रॉपर टेक्निक। दोस्तों अभी हम बात करते हैं
हमने बात कर लिया एक्सटर्नल डिफेक्ट वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में, प्रभाव जनरल आप लोगों के बारे में आइडिया आ ही गया होगा दोस्तों। ये सेशन थोड़ा सा ज़्यादा हम सोचेंगे कि लंबा नहीं हो, इसलिए नेक्स्ट सेशन में हम ऑर्गेनाइज करेंगे दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक टाटा बाय बाय, थैंक यू।